हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द टॉकेटिव बार्बर। सो इस स्टोरी में एक बार्बर है, मतलब बार्बर को हम लोग बोलते हैं जो हेयर कट करते हैं, तो उनको हम लोग बार्बर बोलते हैं। सो ये जो हेयर कट करने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ का जो किंग होता है उसको अपने हेयर कट करवाने होते हैं। तो सोचता है कि मैं ना इस बार्बर से अपने बाल को कट करवाऊँगा, और ये बार्बर बहुत ही ज़्यादा बातचीत करता है। फाइनली ये दोनों मिलते हैं और ये बार्बर चालू हो जाता है सुल्तान के बाल को कट करने के लिए। जितनी देर ये बाल को काटता है उतनी देर ये बातें करता रहता है, बेफालतू की बातें करता रहता है। जो सुल्तान होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको उबन होने लगती है, और ये बार्बर चुप ही नहीं होता। ये बोलता रहता है, फिर अपने भाइयों के बारे में बताने लगता है। सुल्तान फाइनली बोलता है कि तुम अपना काम करो, तुम हेयर कट करने आए हो तो तुम हेयर कट करो, ज़्यादा मत बोलो। और उसको गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, फिर भी ये बार्बर चुप नहीं होता। ये बोलता रहता है, इसका मुँह नहीं थकता। जब ये बार्बर देखता है कि सुल्तान को गुस्सा आ गया है, तो वो ना उसकी शेविंग करने लगता है। ये करते करते शेविंग बाहर जाता है टाइम को देखने के लिए, फिर से लौट के आता है टाइम को देखकर और फिर से बातचीत करने लगता है। अब यहां पर सुल्तान को जाना था, उसको जल्दी थी। एक्चुअली सुल्तान के यहां पर एक पार्टी थी तो उसको जाना था, पर ये जो बार्बर है वो ना इसका टाइम वेस्ट कर रहा था सुल्तान का अपनी बातों से। वो काम बहुत स्लो कर रहा था और बातें बहुत कर रहा था। तो सुल्तान बोलता है कि मुझे जल्दी जाना है, तुम जल्दी काम करो। अब ये बार्बर उसके पीछे पड़ जाता है किंग के, आपको कहाँ जाना है और ऐसे ऐसे पूछने लगता है। सुल्तान नहीं चाहता कि सुल्तान उसको बताए कि उसको कहाँ जाना है, पर लास्ट में वो इतना परेशान हो जाता है कि वो बता देता है कि उसको कहाँ जाना है। वो बोलता है कि पार्टी में मुझे जाना है। ये बात सुनकर बार्बर को याद आता है, अरे हाँ, आज तो मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे और हम लोग भी पार्टी करने वाले थे, पर उसकी तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी है। अब जब ये बात सुल्तान सुनता है तो उसके यहाँ ना जो पार्टी के लिए फूड्स वगैरह तैयार थे, खाने तैयार थे, वो लाता है और उस बार्बर को दे देता है। वो बोलता है कि ये तुम ले जाओ और अपने फ्रेंड्स को खिलाना और इन्जॉय करना। अब यहाँ पर भी ये टाइम वेस्ट करने लगता है बार्बर। वो क्या करता है, फूड्स को टेस्ट करने लगता है, देखने लगता है कि कौन सा अच्छा टेस्ट आ रहा है, किसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो देखने लगता है, सारे खानों को टेस्ट करने लगता है। यहाँ पर सुल्तान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इस वक्त इस बार्बर को भगाने के लिए, यहाँ से दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसको पैसे भी दे सकता है। सो यही पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।